नमस्कार दोस्तों, एक न्यू इवेंट की अपडेट लेकर मैं आ गया हूं आप सभी के सामने। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप ये शुरू होने जा रहा है 12 जुलाई से 16 जुलाई तक ये चलने वाला है। थाईलैंड बैंकॉक में खेला जाएगा एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के मैचेस। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन कितने खिलाड़ी क्वालिफाइड हुए हैं एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। दोस्तों कुल मिलाकर भारत के 54 एथलीट्स जो हैं वो क्वालिफाइड हो चुके हैं एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के लिए। इस टूर्नामेंट में आपको नीरज चोपड़ा और अविनाश साबले जी नहीं दिखाई देंगे। नीरज चोपड़ा जो जैवलिन थ्रो के प्लेयर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में, और अविनाश साबले जी जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडलिस्ट हैं, तो ये दोनों खिलाड़ी नहीं होंगे। बाकी आप लिस्ट आप देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट मैं एक बार कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि 54 प्लेयर्स हैं तो एक एक का नाम लेना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो आप देख सकते हैं सारी अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों क्या लगता है आपको एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में इस बार भारत के कितने मेडल्स आ सकते हैं? सबसे ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर होंगी ताजिंदर पाल जी से होंगी। लॉन्ग जंप में भी होने वाली हैं काफ़ी उम्मीदें, बहुत सारे बड़े बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी भी खेलते हुए दिखाई देंगे। जैवलिन थ्रो में रोहित यादव और दीपी मानू जी भी खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों ऐसी और भी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप और एशियन गेम्स से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जुड़े रहे पहाड़ी ब्रदर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।